भैया इतना रुपया आप लोग लगाए हैं सर, शर्म लग रहा है इनका पिक्चर क्यों नहीं चला रहा मैं बंदे ये बैठे। अच्छा ये बताइए आप पिक्चर देखने के लिए आए हैं? हाँ। कौन सिंह का? हाँ। कहाँ घर है? जवाही टोला। अच्छा ये बताइए कोई हॉल में नहीं अकेले पिक्चर देख रहे हैं? हाँ। राजू यहाँ दिखाओ ना यार, हम आपके हेल्प में खड़े। अल्लाह मत ना कीजिए, कितना जोर से बोलते हैं मेरा दिमाग खराब है। अरे दिमाग मत खराब मेरे, धीरे बोलिए। ठीक ठीक है, चलिए आइए आइए, दिखाइए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑडियंस देख सकते हैं, पूरा सीट खाली है। बाप रे बाप। अभी हम पवन सिंह के गृह जिला में आरा में, यहाँ देख सकते हैं हर हर गंगे का पोस्टर लगा हुआ है ये, और ये सपना सिनेमा हॉल है जो कि हम पहुंचे हुए हैं रिव्यू के लिए, जो कि काफी चल रहा है संघर्ष टू और हर हर गंगे को लेकर के। तो ये टाइम भी बता दीजिए कि टाइम कितना हुआ है। टाइम अभी 11:31 हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हॉल में जानकारी लेने के लिए आए हैं कि कितना दर्शक पहुंचे हुए हैं, जो दुर्गा पूजा का समय है और काफी जोर शोर से प्रचार चल रहा था हर हर गंगे को लेकर के, जो कि पावर स्टार पवन सिंह का ये गिरिह जिला है, गांव बगल के ही घर है ये सपना सिनेमा हॉल है, जो कि यहाँ देख सकते हैं हर हर गंगे लगा हुआ है। और ये यहाँ देख सकते हैं काउंटर टिकट है, रेट है डीसी का 100 रुपया। और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे ये कि कितने टिकट कटा है, कितने आदमी लोग आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि कब से कब कितना समय से शो चल रहा है? 9 बजे से चलता है जी, और फिर 12 बजे जी, फिर 3 बजे जी, फिर रात को 6 बजे बस। तो अभी मतलब कि जो 9 बजे वाला 12 बजे तक था वो मतलब खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी, अभी चल रहा है वही। हाँ, चल रहा है अभी। 12 बजे वाला फिर बुक होगा? हाँ। बुकिंग चालू है क्या? कोई चालू है तो एक भी कोई लाइन में नजर, इसके लिए हम क्या करें जी? इसके लिए ऑडियंस नहीं आ रहा तो इसके लिए हम क्या करें? तो वहाँ लगा है मोती में खेसारी लाल का सिनेमा, वहाँ पे भीड़ चल रहा है। अब हमको, हम तो यहाँ पर है तो देखे नहीं है पब्लिक को, आज से वहाँ लगा दिया खेसारी लाल का सिनेमा। पब्लिक को ज्यादा मांग है खेसारी लाल का सिनेमा, तो हम लोग क्या कर सकते, हम लोग कर्मचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं पवन सिंह पावर स्टार माने जाते हैं जी। बाहर ले जाकर आराम से बोलिए, वहाँ पर हम रिव्यू दिखा, आप ही के प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कितने दिन से हो रहा है, जिस दिन से पिक्चर लगा है 500 पर प्रकार आए लोग आए लोग। तो हम लोग आपके हेल्प में खड़े हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं, दिखाएंगे थोड़ा सा क्या दिक्कत है। ओ, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम लोग क्या बताएंगे, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हम लोग ऑडियंस आ रहा था, हम लोग बैठा रहे हैं, ऑडियंस नहीं आ रहा, नहीं बैठा रहा। आप अपनी जगह सही है सर, ऐसा बात नहीं है, हम आपके हेल्प में खड़े हैं। जी धीरे बोलिए। हम आपके भी हेल्प में खड़े हैं, आप जो जो पूछ रहे हैं उसका सवाल हम दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं ना, बस यही मेरा कहना है कि पावर स्टार को क्या हो गया। जिस तरीके से पिक्चर जब ये बनी थी तो बताया जा रहा था कि खूब चलेगी, खूब बढ़िया कहानी है, स्वच्छता अभियान को दिखाया गया है, तो वो देख सकते हैं अभी अभी पब्लिक जी। हम लोग इस सिनेमा के लिए बहुत बेतबरी से इंतजार कर रहे हैं, और पवन सिंह के हम इतने बड़े फैन हैं कि उनका सिनेमा हम देखते हैं और बेसब्री से बहुत इंतजार कर रहे थे। आज ऐसा समय आया, मौका आया कि हम आके इस सिनेमा को देख रहे हैं। अच्छा क्या नाम हुआ, क्या परिचय हुआ था? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। अच्छा शुभम जी ये बताइए, जिस तरीके से खेसारी लाल का संघर्ष 2 चल रहा था, जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे थे, उस तरीके से पवन सिंह अपने पिक्चर को प्रचार नहीं किए, काफी इनके फैन भी नाराज हैं कि पवन सिंह क्यों नहीं प्रचार किए, उस तरीके से क्यों नहीं इवेंट शो रखे, हर जगह हॉल में क्यों नहीं गए। लेकिन कल लाइव आते हम लोग दिखाए थे, लगातार दिखा रहे ये चीज दर्शक के बीच में रख रहे, तो कल मतलब लाइव आ करके आप बोले थे कि हम हॉल में जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि हम कौन सा हॉल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्लियर अभी तक कुछ पता नहीं। आपको क्या पता है कि कहाँ जाएंगे पवन सिंह? ऐसा तो हमको नहीं पता है, मगर सिनेमा लगा है, फैन उनके आके देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। बिहार, ऑल ओवर बिहार, गुजरात, मुंबई, यूपी, झारखंड, जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ फैन इनके हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में है। लेकिन हॉल में बहुत सारे लोग नहीं पहुँच रहे, जिस तरीके से ये पिक्चर मतलब कि था पावर स्टार पवन सिंह के अग्री जिला, उनके घर के बगल का है, आरा में घर है उनके बगल का ये, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ होना चाहिए था इस हॉल में पवन सिंह को लेकर के। ऐसा बात नहीं है, भीड़ तो हो रहा है, पूरा हो रहा है, देखिए ऑडियंस के
देखिए भीड़ तो पूरा है। इससे तो नहीं होगा ना। अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए, यहाँ पे कैमरा मैन से चाहूंगा थोड़ा दिखाइए सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए पब्लिक, थोड़ा सा खोल दीजिए। कोई बात नहीं है सर, हम आपके हेल्प में खड़े। अल्लाह मत ना कीजिए, कितना जोर से बोलते हैं, मेरा दिमाग खराब है। अरे दिमाग मत खराब मेरे, धीरे बोलिए। ठीक ठीक है, चलिए आइए आइए, दिखाइए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑडियंस देख सकते हैं, पूरा सीट खाली है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बताइए। हाँ थोड़ा सा जलाइए, जला के दिखाइए कितने लोग यहाँ पहुंचे हुए पवन सिंह को दिखाने के लिए। ये हॉल जो है एकदम खाली खाली, पूरा सीट एकदम खाली है। ये दिखाइए, बहुत ही शर्म की बात है। इधर दिखा दीजिए, यहाँ एक भी नजर नहीं आए, एक बंदे एक ये बैठे। अच्छा ये बताइए, आप पिक्चर देखने के लिए आए हैं? हाँ। पवन सिंह का? हाँ। कहाँ घर है? जवाही टोला। अच्छा ये बताइए, कोई हॉल में नहीं, अकेले पिक्चर देख रहे हैं? हाँ। राजू यहाँ दिखाओ ना यार, मतलब कि कोई नहीं, अकेले पिक्चर देख रहे हैं? हाँ। बताइए, ये हर हर गंगे की कहानी है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति होगी हॉल की। जो पैसा लगाए हैं, इतना पैसा जो लगाए हैं हर हर गंगे को लेकर के, हॉल मालिक को क्या होगा, प्रोड्यूसर का क्या होगा, अब हम क्या बताएं। ये पिक्चर जो चल रहा है, आगे तक दिखा दीजिए, कैमरा मैन से चाहूंगा कि आगे तक भी दिखाइए, यहाँ से इधर आइए। राजू यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, कहाँ घर हुआ आपका? अकेला पिक्चर देखने के लिए आए, देख सकते हैं, कुछ नहीं बोल रहे। देखिए ये पिक्चर जो चल रहा है, यहाँ पे हॉल है, और इधर 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 से दिखा, ऊपर में दिखाइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन पूरा सीट खाली है। मैं दिखाऊं तो मैं क्या बताऊं, हमको शर्म लग रहा है कि इस पिक्चर के लिए कितना मेहनत किया गया था, और क्या बताएं, अब मैं क्या बोलूं। आप लोग खुद दिखाइए, चलिए राजू फटाफट चलो यार, इतना देर है दिखाने का टाइम। चलिए आइए, दिखाइए यहाँ पे, और बाहर का भी सीन को दिखाएंगे। इधर 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 से दिखाइए, थोड़ा सीन और लोकेशन दिखा दीजिए। ये पिक्चर जो थी बड़े ही अच्छे ढंग से बनाया गया था, स्वच्छता अभियान पे बनाया गया थी ये पिक्चर, और बनारस का शूटिंग, गंगा जी के ये शूटिंग जो है, अभी देखिए किस तरीके से चल रहा है। चलिए आइए आइए, थोड़ा दिखाइए तो इधर, बहुत ही शर्म की बात है, हमको भी शर्म लग रहा है भैया, इतना रुपया आप लोग लगाए हैं। शर्म लग रहा है, इनका पिक्चर क्यों नहीं चला आ रहा मैं, आपसे ज्यादा हमको शर्म लग, आप आए हैं, हम अंदर हिला दिए ना, देख लिए ऑडियंस ना, बस हम पे ही का नाम है, बस पब्लिक इनको काहे नहीं लग कर रहा। अब पहले इतना पब्लिक इनको प्यार मोहब्बत देता था, अब पब्लिक क्यों नहीं दे रहा है बोलिए। हमको ऐसा लग रहा है दशहरा के मौका पर इतना ऑडियंस कम कहे है, बोलिए कहे है बताइए। बस पावर सिंह का कहीं ना कहीं लगता है कि पावर खत्म हो गया है। जी खत्म हो रहा है, मैं तो यही कहूंगा, ना ही एक प्रचार किए ना ही इवेंट। जी जी बाहर लीजिए ना, आराम से ऑडियंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप जितना लेना है बाहर पब्लिक से ले लीजिए, जितना हमको बोलना था बोल दिए ना, जाइए बाहर आराम से ले लीजिए वहां पर। चलिए दिखाइए यहाँ पे देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद है। आप लोग पिक्चर देखने के लिए आए हैं? जी। टिकट लिए हैं आप? लेता नहीं। कहाँ घर? सुनघाटा। क्या कहेंगे, काफी लोग भीड़ नहीं लगा रहे, पवन सिंह हमारे जिले के हैं, आरा जिले के पावर स्टार माने जाते हैं, और ये हॉल में आने के बाद बहुत सारे कम, पूरा सीट हम देखे खाली। दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में इतना सीट भरल कम बा? अरे महाराज अभी आप सीट देखे हैं? अभी आप देखिएगा, अभी आप देखेंगे, अभी आप जो जो हम देखे हैं कुछ नहीं, अंदर नहीं कुछ नहीं देखे हैं, अभी आप देखिए, सब गलत है, जो अंदर जो चल रहा है वो झूठा है, नहीं आप लोग सच्चे, आप लोग सही बोल रहे हैं। क्या नाम? जो शो शुरू होगा ना उसमें देखिएगा, बहुत भीड़। अच्छा आप सोच जो ये सब चल रहा तो नहीं, मॉर्निंग टाइम में कोई नहीं है। अच्छा चलिए, इनका कहना है मॉर्निंग टाइम में कोई नहीं आता। जी बोलिए बोलिए, कल आए थे, कल बहुत ज्यादा भीड़ था, हम आए थे अपने चैनल लेकर। कितना भीड़ था?
भीड़ तो देखिए टिकट लेने के लिए बहुत समय भीड़ था, 12 से 3 ही हम आए थे और 3 से 12 भी हम 3 से 6 भी देखे थे, लेकिन आज भी देखिए अभी टाइम नहीं हुआ है, दर्शक आते 12 बजे कितना घड़ी में कितना बज रहा है 12 बजे लगभग 12 बजे देखिए 11:40 हाँ 12 बजे कितना बजे भीड़ होगा 12 बजे देखिए आइए तो इधर आइए 12 बजे आइए ना इधर आइए ना अभी 3 भीड़ नहीं होता है फिल्म में भीड़ नहीं लगता है आप कहाँ ऐसे बात कर रहे हैं आप बार बार आ रहा जिला आ रहा जिला कर रहे हैं चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन है और ये दिखाइए ये जो है यहाँ पब्लिक का क्या पोजीशन है क्या नहीं यहाँ पे देख सकते हैं। खुद हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे अपने चैनल से कि आखिर यहाँ का क्या माजरा है क्या अभी 11:40 हो रहा है, हम सब दिखाएंगे कि कितने पब्लिक आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं क्या यहाँ की स्थिति है क्या पिक्चर देखने के लिए आई है। हाँ। देखिए एक महिला है बेचारी पिक्चर देखने के लिए आई है पवन सिंह का और यहाँ पे आपका परिचय क्या है कुछ कहना चाहेंगे पवन सिंह के लिए क्या कहेंगे हम पिक्चर देखने के लिए आए हम इसी में रहते हैं अभी थोड़े भीड़ होगा सब कोई पूजा पाठ में फंसा हुआ है शाम में 6 बजे से देखिए भीड़ कितना होता है 12 से 3 में नहीं होता अभी सब कोई पूजा पाठ में लगा है तो अभी कहाँ से भीड़ होगा 3 से 6 में होगा 3 से 6 नहीं 6 से 9 9 से 12 12 से 3 अच्छा मतलब सारी रात रात में हाँ आके देखिए उसके बाद बोलिए कि पावर खत्म हो रहा है कि पावर है उसके बाद ही अभी सब कोई व्यस्त है। चलिए इनका कहना है कि सभी लोग व्यस्त हैं अभी पावर है कि खत्म है ये तो देखने वाली बात होगी।